आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। यूपी के बलिया में बीते दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विद्युत उपकेंद्र मलियर पर एक दिवसीय धरना दिया। आपको बता दें कि करीब 3 बजे नायब तहसीलदार बांसडीह अंजू यादव धरना स्थल पर पहुंची। उन्हें वहां भाकपा माले के नेताओं ने मांग पत्र सौंपा। नायब तहसीलदार अंजू यादव ने कहा कि आपकी जो भी मांगे उसको मैं उप जिलाधिकारी महोदय बांसडीह वे उनके माध्यम से विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को अवगत करा दूंगी। साथ ही आपको बता दें कि भाकपा माले ने उप जिलाधिकारी बांसडीह वे अधीक्षण अभियंता को संबोधित ज्ञापन सौंप। भाकपा माले के नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत मनियर वे आसपास के इलाकों में बिजली चेकिंग के दौरान उपभोक्ता वे गरीब लोगों का विद्युत कनेक्शन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना नोटिस के काट दिया जाता है। यही नहीं, बिना मीटर रीडिंग के अधिक बिजली बिल भेजा जाता है, वे अवैध रूप से पैसा वसूली की जाती। बिजली विभाग द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार व दुर्व्यवस्था के विरोध में ही माले ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि बिजली चेकिंग के दौरान काटे गए तारों को वापस किया जाए, बिजली विभाग द्वारा किए गए सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली बिल लिया। इस कार्यक्रम को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य विखेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम चौधरी सपा नेता शिवनारायण राय सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। अध्यक्षता विनय सिंह व संचालन राजू राजभर ने किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।